नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो मुद्दा है बहुत अहम है, किस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है तो कहीं इस मुद्दे को लेकर विकास करने की बात भी की जा रही है। मुद्दा है मदरसे के सर्वे, जो आदेश हुआ था यूपी सरकार में वो शुरू हो चुका है, कल से सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। और सर्वे के माध्यम से मदरसों को अपग्रेड करने की बात, मदरसों की मान्यता की बात लेकर मदरसों को बेहतर करने का यहाँ पर जो प्रयास यूपी सरकार का है ऐसा कहा जा रहा है, जिसको लेकर सर्वे का जो काम है वो कल शुरू हो चुका है। टीमें की बात करूँ तो 10 सितंबर तक टीमें बन चुकी थी और टीम बनने के बाद सर्वे का काम शुरू होने के बाद 15 अक्टूबर तक इस सर्वे को पूरा करना है और 25 अक्टूबर को इस सर्वे की रिपोर्ट शासन को सौंपनी है, जो भी सर्वे टीम में अधिकारी बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण विषय, साथ ही साथ यहाँ पर एक विषय और भी महत्वपूर्ण है कि यूपी सरकार के सर्वे की आहट के चलते सर्वे शुरू हुआ तो उसकी गूंज पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी सुनाई दी और उत्तराखंड में इस तरह सुनाई दी कि उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से कहा कि यहाँ पर भी मदरसों का सर्वे होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी निजी मदरसे काफ़ी हैं। अगर हम शासन के अधीन या शासन से मान्यता पर मदरसों की बात करें तो वहाँ पर केवल 103 हैं और बाकी उनके हिसाब से कई हज़ार मदरसे वहाँ पर उत्तराखंड में भी है, तो सर्वे की भी बात कही गई है और उत्तराखंड सरकार ने भी ये फैसला ले लिया है कि उत्तराखंड में भी सर्वे होगा। महत्वपूर्ण विषय दूसरा और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जब जैसे जैसे हमारे देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, कोई सियासी हलचल होती है तो उस पर बयानबाजी का दौर जरूर शुरू होता है। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की पूरे देश में महत्वपूर्ण भूमिका है, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और राज्य होने के चलते यहाँ पर जो भी मामला होता है उसकी गूंज वैश्विक स्तर तो छोड़िए देश स्तर में स्तर होती है कि जो बयान दूसरे राज्यों के लोग भी देना शुरू कर देते हैं। और जैसा मैंने बताया, सबसे पहले बयान देते हैं बयानवीर हम असुद्दीन ओवैसी, जो कि हैदराबाद से सांसद हैं और AIMMIM के प्रमुख हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से यहाँ बयानबाजी हो रही है, सर्वे शुरू हुआ है और इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मौलाना साजिद रसीदी, उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया, व्यवहारिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सर्वे करने वाले आप कौन होते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सर्वे करने आए उनको जूतों चप्पलों से पीटिए। व्यवहारिक बयान, कुछ उन बयानों को सुनते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बेवकूफ़ लोग हैं जिनको संविधान का, कानून का कोई ज्ञान नहीं है, जो ये लोग ये कहते हैं कि साहब प्राइवेट मदरसे भी, अरे भाई जो प्राइवेट मदरसे हमारे 2.5% की ज़कात पर चलते हैं, आप कौन होते हैं उनका हिसाब लेने वाले? भाई आप होते कौन हैं कि आप उनका सर्वे कराएंगे कि साहब चंदा कहाँ? मैं बता रहा हूँ ना कि मैं ज़कात देता हूँ 2.5%, मेरी ज़कात से चलता है मदरसा। जितने भी मदरसाज हैं जिनमें कुरान की हदीस की तालीम होती है वो सिर्फ 2.5% की ज़कात पर चलते हैं, उनका कोई कहीं से कोई किसी तरह का वो नहीं है। हाँ, आपके जो मदरसाज हैं जो लीगल एड लेते हैं सरकार से, आप कराइए उनका सर्वे, उनका आधुनिकरण कीजिए, उनमें दुनियावी शिक्षा दीजिए, उनमें जो चाहे आप कीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। वो अगर खुद अपने मदरसे खोल कर चला रहे हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े मदरसे हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के, प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड के तरह रिकग्नाइज है वो सरकार से उसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीके उनको सिखाने के लिए, इस्लामिक फिक्र सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलूं, इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है। ये माननीय न्यायपालिका का जो भी फैसला है वो सबको मान्य है और हम सब माननीय न्यायपालिका का सम्मान करते हैं,
मदरसा सर्वे पे क्या कहेंगे? मदरसा सर्वे जो है वो एक सकारात्मक कदम है ताकि ऐसे मदरसे जहां हमारे अल्पसंख्यक समाज के युवा छात्र पढ़ते हैं उनको बेहतर सुविधा मिले। इस सर्वे के अगर आप बिंदु देखेंगे तो स्पष्ट है कि ये बिंदु पूछा गया है कि उन छात्रों को बेसिक फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं, फर्नीचर कैसा है, पेयजल कैसा है। इसके साथ साथ उस सर्वे में कॉलम ये भी है कि कौन सी सरकार की योजना वो मदरसा उस किस योजना का लाभ ले सकता है। अल्पसंख्यक कल्याण की बहुत सारी योजनाएं हैं, नया सवेरा है, नई उड़ान है, नई रोशनी है, कौशल विकास की योजनाएं हैं, तो उसमें एक ये कॉलम भी है कि कौन सी योजना का लाभ वो मदरसा लेना चाहता है ताकि उस योजना से उस मदरसे को कनेक्ट करके वहाँ के छात्रों को एक बेहतर भविष्य दिया जा सके। तो अभी आपने बयान देखे और बयान के मुताबिक जिस तरह से यहाँ पर सियासी हलचल मची हुई है, सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि बेहतर पहल है और जिससे मदरसों को अपग्रेड किया जाएगा, उनको अनुदान भी दिया जाएगा और वहाँ का शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाएगा। तो वही आपने देखा कि मौलाना साजिद रशीदी का बयान है, उन्होंने कहा 2009 का एक जो आदेश है वो दिखाएँ और ऐसे लोग अगर करने हैं तो जूतों चप्पलों से साबित सर करें। असुद्दीन ओवैसी जो कि हमेशा बयान देते रहते हैं, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो तो इस मामले में भी वो कैसे पीछे रहते हैं। हालांकि उत्तराखंड वाले मामले पर भी उनका बयान नहीं आया है, जल्दी उम्मीद है उस पर भी बयान आ जाएगा क्योंकि वो हमेशा बयान देने के चलते चर्चा बने रहते हैं। खैर महत्वपूर्ण विषय है, उस पर विषय पर बात करने के हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सपार भाई नेता भाजपा ग्रुप में हमारे बैठे हुए हैं, जुड़ चुके हैं। नितिन सिंह यादव नेता सपा ग्रुप में हमारे जुड़े हुए हैं। इमरान लतीफ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी ग्रुप में भी पक्ष रखेंगे। मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे आमिर भाई जुड़े हुए हैं। समाज सेवी के रूप में विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पवन श्रीवास्तव भाई वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अपनी सेवा यहाँ पर देंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पहला सवाल हमारा रहेगा वो नेता भाजपा से रहेगा। सपार भाई महत्वपूर्ण विषय है और मदरसों को यहाँ पर अपग्रेड करने को, उनको बेहतर करने के लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, फिर दर्द क्यों है? दर्द क्या यहाँ पर आ रहा है कि जूते चप्पलों से स्वागत करने की बात कही जा रही है, 2009 का कानून दिखाने की बात कही जा रही है? भाई क्या दिक्कत है? अगर सर्वे हो रहा है तो सर्वे से आपको लाभ मिलने वाला है, तो इस लाभ से दिक्कत क्या? सपार भाई आपको मेरी आवाज आई? शायद सपार भाई को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रवक्ता सपा से बात लेते हैं। नितिन भाई महत्वपूर्ण विषय है और यहां पर जिस तरह से सर्वे की बात कही जा रही, सर्वे शुरू हो चुका है कल और सर्वे शुरू होने के बाद उत्तराखंड में भी हलचल दिखाई दी और वहां पर भी इस सर्वे को लेकर फैसला ले लिया गया है। क्या मानते हैं कि जो सर्वे हो रहा है इससे क्या दिक्कत होने वाली है? भाई आपको अपग्रेड कर रहा है, बेहतर कर रहा है और जो विकास करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें दर्द क्यों? गौरव भाई निश्चित रूप से जी सर्वे से किसी को कोई आपत्ति नहीं है जी। सर्वे के पीछे मंशा क्या है जी? कितने मदरसे निजी स्तर पर चल रहे हैं जी, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनकी जकात से, उनके दान से जी, और अपने समाज को दीनी शिक्षा देने के लिए चल रहे हैं, ठीक है जी। कुछ मदरसे हैं जो गवर्नमेंट से एड लेकर के चल रहे हैं 560। निश्चित रूप से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हम कोई भी पैसा खर्च करते हैं जी तो उसका सदुपयोग होना चाहिए जी। वो पैसा सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? वो पैसा आपने जिस काम के लिए दिया है, बेहतर शिक्षा के लिए दिया है, तो बेहतर शिक्षा हो रही कि नहीं हो रही? विद्यालय की अगर बिल्डिंग के लिए दिया है तो क्या मदरसा की बिल्डिंग बनी है कि नहीं बनी? यदि वो फर्नीचर के लिए दिया गया है तो इसकी जांच हो जानी चाहिए, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मदरसे, ये ऐसी जो सरकारी एड से चलने वाले हैं उनकी संख्या तो बहुत थोड़ी है, 560 है, लेकिन जो निजी स्तर पर जो चलाए जा रहे हैं जी, तो उस पर जो समाज के जी जकात से, उनके चंदे से चल रहे हैं और उनकी अपनी कमेटी होती है, वो जो लोग पैसा देते हैं वो स्वयं उसकी देखरेख भी करते हैं। इसमें एक तो जो सरकार का दखल है, ये मुझे लगता है कि ये किसी के निजी क्षेत्र में एक एक्स्ट्रा दखलंदाजी है जी। फिर भी अगर आप सुधार के नाम से जी कुछ बेहतर व्यवस्था देना चाहते हो तो स्वागत है जी। लेकिन अगर आपकी नियत अच्छी नहीं है जी, और जैसा कि दिखाई पड़ रहा है, यदि आप तो क्या दिखाई पड़ रहा है नितिन भाई, क्या दिखाई पड़ रहा है? अभी सर्वे शुरू हुआ है। हाँ
बिल्कुल बिल्कुल, सर्वे अभी शुरू होने से तो लेट हो गया। नियम था तो इनको 15 मई तक सर्वे हो जाने थे। अच्छा। ये लोग समय का इंतजार करते हैं। अच्छा। कि ऐसे इशू तब टच किए जाए जब कोई चुनाव नहीं, ये 15 मई तक ये सर्वे हो जाने थे। अच्छा। और भाई 15 मई तक ये सर्वे हो जाने थे, लेकिन अब चूंकि महानगरों में नगर निगम के और नगर निकाय के, आपको पता था ये बात मई तक सर्वे होने? निश्चित बिल्कुल मुझे पता था, अब रिकॉर्ड है भाई, आप उठा के देख लीजिए। अच्छा। मई तक सर्वे हो जाए तो आप जागरूक कर लेते लोगों को, जागरूक किया जा सकता था। ये जी गौरव जी, जी मैं जागरूक क्या, आप लोगों का काम है, मैं बैठे जागरूकता माध्यम तो यही है, ये सरकार का काम था और अच्छा। सरकार ने इसके बाकायदा आदेश दे रखे थे। अच्छा। मई तक ये काम पूरा करना था, लेकिन इसमें जो सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मंशा रहती है कि ये जो ध्रुवीकरण इससे जोड़ा जाएगा। अच्छा। अब इसका प्रचार होगा चुनाव में, और अब चूंकि समय आ गया, नवंबर में महानगरों में चुनाव लगे हुए हैं नगर निगम के नगर निकाय के। अच्छा। इसको उस दिशा में ले जाने की पूरी तैयारी है। अच्छा। और इसमें बहुत कुछ होना जाना नहीं, कोई सुधार इनका लक्ष्य नहीं है। अच्छा। इतने कपच मुसलमानों के हितैषी हो गए कि उनके सुधार के लिए कार्यक्रम लेकर। तो ऐतिहासिक कौन है भाई, अगर ये ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक कौन है मुसलमानों का? मुसलमान किससे उम्मीद करेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री पहले 80-20 बांट चुके हैं। हाँ। जो तो क्या खुले एजेंडे में नहीं, उनका तो एजेंडा ही सिर्फ और सिर्फ हिंदू की बात करने वाले लोग हैं। इसमें भी अभी कोई ताल्लुक रह गया? भारतीय जनता पार्टी से क्या कभी किसी मुसलमानों के हित की उम्मीद की जा सकती है? जो 80-20 का नारा देता हो, जो सीधे सीधे आज देख रहे हो कि हिंदू मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण की बात करता हो, जो नफरत की बात करता हो, जो समाज तोड़ने की बात करता हो, जो शिक्षा की बात नहीं करेगा, रोजगार की बात नहीं करेगा, अपराध पर बात नहीं करेगा, महिला उत्पीड़न पर बात नहीं करेंगे, उनका ये इशू आ गया और इस पर चर्चा होगी। आज अगर अच्छी चर्चा होती, सरकार चर्चा करती महिला अपराधों पर, सरकार। अरे आप लोग सरकार का सहयोग क्यों नहीं, समर्थन क्यों नहीं करते भाई? सपोर्ट क्यों नहीं करते पार्टी का? कोई विकास की बात होती है तो आप विपक्ष में चले जाते हैं। समर्थन करूंगा। अच्छा। गौरव जी, मैं पूरी तरीके से सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। हम नैतिक रूप से विरोध करने के लिए नहीं पैदा हुए समाजवादी लोग, समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। सरकार बात करे रोजगार देने की, 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, सरकार बात करे हम दोनों हाथ खोल के गले लगाएगी माननीय मुख्यमंत्री को। भ्रष्टाचार मिटाने की बात करिए, महिला अपराध समाप्त करने की बात करिए। आपने खुद देखा होगा, हो सकता है आपने अपने चैनल में चलाया भी हो कि एक महिला प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव के पीछे पीछे दौड़ रही है कि चौकी से मुझे बचाओ। अच्छा। उससे 15 साल की लड़की मांग रहा है, मैं कहां से दूं? तो एक बार मुड़ के देखते हैं, अच्छा चौकी इंचार्ज, और काजू खाते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं। हाँ। ऐसे संवेदनहीन लोग तो आप धरना करना शुरू करने की है, आप टीवी पे बोल रहे हैं, आप टीवी पे बोल रहे हैं तो आप भाई निजन भाई, आप लोग धरना कर रहे हैं विधानसभा के बाहर, आपने कहा कि अब आप धरना दिया जाएगा, तो आप अगर आपको लगता है कि स्वतंत्र देव सिंह ने शुरुआत नहीं की, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो कम से कम इसी मुद्दे को लेकर धरना करना शुरू कर देते, क्यों नहीं किया भाई आप लोगों ने? जी देखिए, हर जगह आवाज, जो जहां बैठा है वो अपने स्तर से बात। गौरव जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अगर आपके चैनल के माध्यम से आपने डिबेट की तो मैंने इस पर आवाज उठाई, हमारे विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं, संगठन के लोग जनजागरण के माध्यम से काम कर रहे हैं। अच्छा। लोग क्षेत्रीय थाने का घेराव कर रहे हैं, जो जहां है हर व्यक्ति अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी धर्म का निर्वाह कर रही है। ठीक है, आपने जो कहा ना, समर्थन क्यों नहीं करते? मैं समर्थन तो बता रहा हूँ ना, मैं समर्थन करूँ की बात करिए, सवाल भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, शायद उनको आवाज में दिक्कत है, हमारे साथ आवाज आ रही है, आ रही है सवाल भाई। सरकार की पहले मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है और सर्वे के साथ राजनीति भी शुरू हो गई है, कहीं जूते चप्पल से स्वागत करने की बात कही जा रही है तो कहीं इसको मिनी एनआरसी बताया जा रहा है, और सर्वे की गूंज उत्तराखंड पहुंच गई है, वहां भी फैसला ले लिया गया है। क्या मानते हैं मदरसों पर सर्वे से लाभ होने वाला है, फिर दर्द क्यों हो रहा भाई? देखिए गौरव जी, जी ये जो पहले सरकारें थी कांग्रेस की रही, फिर ये सपा और बसपा की सरकारें रही, जी इन लोगों ने हमेशा मुसलमानों के वोट बैंक पर के नाम पर इस्तेमाल किया, और मैं इन सब लोगों से पूरे देश के मुसलमानों से पूछता हूं कि जब 1947 में देश आजाद हुआ तो मुसलमानों की संख्या सरकारी नौकरी में 33% थी,
आजादी के बाद धीरे धीरे ग्राफ गिरता गया और मदरसों की संख्या बढ़ती चली जी। और मदरसों की जब संख्या बढ़ी तो मुस्लिम समाज में बेरोजगारी बढ़ी। ठीक, ये मैं बिल्कुल खुले तौर पर कहना चाह रहा हूँ, चाहे मेरे उलमा को मेरी कौम को बुरा लगे जी। मदरसों से सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, अटल जी प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए और मदरसों के आधुनिकरण की बात की। अच्छा, हमारी सरकार में जब अभी 14 में आई, वो मदरसों के जांच की बात आई जी, तो जांच में जो दुकान चला रहे हैं मदरसों के नाम पर, जो दुकानें चला रहे हैं, ज़कात माफिया बने बैठे हुए हैं, उन्होंने इसको, उन पर आपत्ति, उन लोगों को आपत्ति है। सर्वे में क्या बात पूछी गई जी? मदरसा कौन सी संस्था चला रही है जी? मदरसा कब बना जी? मदरसे की जमीन निजी है या किराए पर है जी? मदरसे को मूलभूत सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है? मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है जी? मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक की संख्या कितनी है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है जी? मदरसे में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस क्या है जी? और मदरसे को सहायता प्राप्त जो है, यही तो दिक्कत है, 8वां 9वां 11वां, यही तो दिक्कत दे रहा है भाई। सुन लीजिए, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे की आमदनी का जरिया क्या जी? मदरसे पे पढ़ने वाले बच्चे किसी मदरसे में दूसरे मदरसे में तो नहीं पढ़ते जी? मदरसे का ताल्लुक किसी गैर सरकारी संस्था या सरकारी संस्था से तो नहीं जी? है ये स्पष्ट सवाल ऐसे हैं जिनसे सरकार पर उंगली उठाने का कोई उद्देश्य ही नहीं बचता कि उस सरकार पर उंगली उठाई जाए जी। अब मदरसों में बच्चों की संख्या पूछने पे मौलानाओं को दिक्कत ये है कि 200 बच्चे पढ़ते हैं, 1000 की सूची बनाए, उनका वजीफा खा जाते हैं। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आपको मैं बता दूं, लखनऊ के अंदर मान्यता प्राप्त मदरसा है इरम मॉडल स्कूल। अच्छा, जिसकी मैं कई बार भी शिकायत कर चुका हूं और जांच इसीलिए ये उठाई गई है। इरम मॉडल स्कूल के मालिक क्या करते हैं, इंदिरा नगर में उनका एक मदर स्कूल है, उसमें वो बैंक खोले हुए हैं जी। उस बैंक में सभी मदरसों के अध्यापकों की अकाउंट खुला हुआ है जी। और मदरसे के टीचर को सरकार द्वारा तनख्वाह मिलती है 65,000 रुपए, 70,000 रुपए, और मदरसे के मालिक उनको देते हैं 15,000 रुपए, 10,000 रुपए। अच्छा, और पैसा निकाल लेते हैं। इस पर ये सपा बसपा के लोग आवाज क्यों उठाने, ये मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से। अच्छा, और हमारी सरकार अगर आधुनिकरण कर रही है, NCERT जी, कौन IAS बना, कौन बच्चा IPS बना, कौन बच्चा MBBS बना, कौन बच्चा यूनानी डॉक्टर बना, कौन बच्चा आयुर्वेद का डॉक्टर बना, मुझे इस बात के सपा बसपा और कांग्रेस के लोग जवाब दे दे। मदरसों में बेरोजगारी फैलती है और ये सपा बसपा के लोगों ने, जो मुस्लिम समाज ने बेरोजगारी फैली है, इसके जिम्मेदार सपा भाई पर अभी दूसरे नंबर पर। अभी आपकी जानकारी के बता दूं, सपा भाई जानकारी के बता दूं, अभी कुछ बच्चों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है मदरसों वाली, अभी कुछ दिन पहले मौलाना खालिद सिंह की पहली का बयान भी आया था, उन्होंने बधाई भी दी थी। अभी कुछ छात्रों ने, कुछ छात्राओं ने यहाँ पर आपका नीट जी परीक्षा पास की है। मदरसा आधुनिकरण की देन है। अच्छा, ये उन मदरसों की देन नहीं है जो देवबंद और नदवा चला रहा है। अच्छा, आप जाइए नदवे के अंदर, मदरसे के बच्चों को कच्ची रोटी ना मिले तो मैं डिवाइड करना छोड़ दूंगा, रानी छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है भाई, खाने की क्वालिटी घटिया जी, ठीक है, और बच्चों के नाम पर लेते हैं और मेहमान भी है, और मेहमान भी लेते हैं। सवार भाई, अभी आपसे मेहमानों को लाइए जवाब देने के लिए, मैं बैठा हूं जी। इमरान भाई, आरोप लगाना बहुत बड़ी बात है। इमरान भाई, आपका क्या पक्ष है? मदरसे शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में जी, हो गया खुलवाने का श्रेय इन्हीं लोगों को हो गया। सवार भाई, हो गया। इमरान भाई आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है। इमरान भाई, उत्तर प्रदेश सर्वे शुरू हो गया है और उत्तराखंड में भी फैसला ले लिया गया है। सर्वे से सियासत हो रही है और दर्द क्यों हो रहा है जब विकास की बात उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है? नहीं देखिए गौरव भाई, दर्द जो है वो किसी को नहीं हो रहा है भाई। जूते चप्पल स्वागत करने की बात तो बोल रहे हैं ना भाई जी, आवाज कुछ बोल रहे हैं क्या जी? मैं बोल रहा हूँ जूते चप्पल से स्वागत करने की बात बोल रहे, दर्द ही तो है भाई, ये दर्द क्या है? नहीं नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होना जी। तो कोई भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो वो अपनी ही लड़ाई को कमजोर करेगा, विचारों को कमजोर करने का काम जी। जहां तक बात है गौरव भाई, अभी बात कर रहे थे कि मदरसों के लिए इतना प्रेम दिखा रहे हैं तो बड़ा शक हो रहा है, बड़ा स्वभाव हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कब से मुसलमानों के हमदर्द बन गए। लेकिन अच्छी बात है, बन रहे हैं तो अच्छी बात है, करना चाहिए, मदरसों का सर्वे करें और अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसको उल्टा टांग दें, कोई एतराज नहीं है।
एक हमदर्दी अपनी दिखा दीजिए, कौन सी हमदर्दी आपने मुस्लिम समाज के लिए की अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है? यही फायदे का अगर आप लोगों ने राज किया, इतना बेचैन ना हो भाई। अभी जवाब लेता हूँ, जवाब लेता हूँ, बाकी ले लीजिए, जवाब लेता हूँ आपसे। फड़क रहे हैं आप, बोले 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 इमरान भाई, अरे बोलने दीजिए भाई, फड़क नहीं रहा हूँ आपसे। नहीं अरे इतना पीछे आम आदमी पार्टी ने बोलना नहीं शुरू किया, आपको भौंकना भौंकने लगे अपनी। समर भाई इतनी बेचैनी, समर भाई दो मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए इमरान भाई, सुन लीजिए बोलिए। देखिए बेचैनी को पता है कि आम आदमी पार्टी बोलना शुरू करेगी तो इनको नंगा करके रख देगी, ये दिक्कत इनके साथ। अभी डिबेट शुरू हुई, अभी पहला दूसरा जुमला मैंने बोला था और ये भौंक रहे हैं, भौंक रहे हैं देखिए किस तरीके से। तो इनका पहले मुंह में कुछ जाबा वाबा लगा दीजिए, कुछ जल्दी जल्दी से बांधिए इनको, क्योंकि लोग बेचैन हो रहे हैं। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी इनको जैसे जैसे आम आदमी पार्टी इनकी हैसियत और औकात बताने का काम कर रही है जी। ये लोग इंसान से जानवर बनते जा रहे हैं। सुनिए इनकी कहानी जी, सुनाइए जल्दी। ये बड़े हमदर्दों के, जो बहुत बड़े हमदर्द बन रहे हैं मदरसों के, सरकारी स्कूल के लिए एक सर्वे करा लें, सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। दिल्ली में दंगा हुआ, आपने क्या किया मुसलमानों के साथ? अरे यार चुप रहो तुम यार, कहां से गौरव भाई पकड़ना है भौंकने के लिए। अरे भाई भाई बारी 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 गौरव भाई चुप कराइए, समर भाई, समर भाई, समर भाई, अरे भाई अरे मर्यादा मर्यादा में रहे, समर भाई मर्यादा में रहे, मर्यादा में आप रहिए, मर्यादा में रहिए, मर्यादा आपकी पार्टी का नाम आप ऐसे। अरे भाई अरे भाई सपार भाई, बारी बारी सबको यहाँ मौका दिएगा, अभी सब लोग मर्यादा रखिए और बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से बोलिए, बारी बारी बोलिए जी। ये डिबेट लायक नहीं है, इनका तरीका ठीक नहीं है। सपार भाई डिबेट, आप सत्ता में बैठी पार्टी के नेता है, ठीक है, आप सत्ता में बैठी पार्टी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इनके हम जूते खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जूते खाने की बात नहीं है, वो कह रहे हो, सुन रहे हो, क्यों बोलते चले जा रहे हो, सही कह रहे हो, तुम भौंक रहे हो, जूते का काम करेंगे। अरे पूरी बात तो सुन लो कम से कम, अपनी बारी बोलो, तुम्हारे बारे में कोई बोला? सपार भाई तुम्हारे बारे में कोई बोला था जी? सपार भाई भौंकने जानते हो, सुनो जानते हो, सपार भाई देखिए गौरव भाई, मैं बात कर रहा था कि मदरसों को लेकर ये सर्वे कराएं, अच्छी बात है, अगर कोई दोषी मिलता है, कहीं पे कमियां मिलती हैं, तो जो दोषी लोग हो उनको सजा मिलनी चाहिए, कोई इसके लिए मना नहीं कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों के प्रति हमदर्दी दिखाएगी, मदरसों के प्रति हमदर्दी दिखाएगी, तो सबको शक होगा, आपको भी शक होगा, हमको भी शक होगा, सबको शक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को छलने का काम किया, ठगने का काम किया, ये बात अपनी जगह तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी बात, दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के विद्रोह की और उनके विरोध की राजनीति हमेशा की है। अच्छा, उन्होंने मुसलमानों के विरोध की राजनीति हमेशा की है, मुसलमानों के दुश्मनी की राजनीति हमेशा की है, ये बिल्कुल अस्पष्ट बात है। ये तो अगर ऐसे में वो मुसलमानों के प्रति प्रेम दिखाएंगे तो एकाएक कैसे हृदय परिवर्तन हो गया, इस पर सबको शक होगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि मदरसों को ठीक करिए, अच्छी बात है, सर्वे कराइए, जांच कराइए, दोषियों को सजा दीजिए, हम स्वागत करते हैं इस बात का। लेकिन उससे पहले कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान इंगित कराना चाहूंगा। ललितपुर के अंदर नया गांव में एक स्कूल है जो 1963 में बना था सरकारी स्कूल, आज तक उसी बिल्डिंग से काम लिया जा रहा है, वहां पे स्कूल चलाया जा रहा है सरकारी स्कूल। जरा सा एक सर्वे टीम वहां भी भेज दी जाए, बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है, साफ सफाई करवाई जाती है। आप उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को देखिए तो खंडहर नुमा बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनमें बच्चों को पढ़ने पर मजबूर होना पड़ता है। अभी महोबा का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले सरकारी स्कूल की छत गिर गई थी, शिक्षक और छात्र घायल हो गए थे, ये खबर आपने भी दिखाई होगी, सबने दिखाई थी खबर, बिल्कुल प्रचारित हुई थी। तो कम से कम इन स्कूलों का सर्वे कर लीजिए। मदरसों के लिए बड़ी चिंता कर रहे हैं, लेकिन मिड डे मील में नमक रोटी परोसते हैं, मिड डे मील में छिपकली परोसी जाती है, कम से कम उस व्यवस्था के लिए भी कोई सर्वे टीम बना लीजिए। अगर आप देख लीजिए 6 महीने बीत गए पूरे सेशन के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 महीने हो गए और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ना तो अभी तक सही से पूरा ड्रेस पहुंचा पाई है, ना पूरी किताब। अरे वेरिफिकेशन हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है, 155 करोड़ छात्रों का वेरिफिकेशन हो गया है, उनको यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि आज वेरिफिकेशन हुआ, गौरव भाई कौन जिम्मेदारी लेगा? 6 महीने निकल गए, एग्जाम का समय आ गया है, अभी तक आप किताब नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और जो प्राइवेट स्कूल है उसकी किताबों के दाम महंगे कर दिए, जीएसटी लगा दी, पेंसिल के दाम महंगे कर दिए। तो पहले आप सरकारी स्कूलों को ठीक कर लीजिए,
पहले पूरे शिक्षक दे लीजिए। अच्छा दूसरी बात मैं ठीक है भाई, मदरसों को लेकर जो ये कह रहे हैं गौरव भाई, ठीक है अभी ये मदरसों के आधुनिकीकरण की बात कर रहे थे, अभी ये मदरसों को का परिवर्तन करने की बात कर रहे थे, मदरसों को ठीक करने की बात कर रहे थे, और जिन आधुनिक शिक्षकों को रखा गया है वहां पर साइंस और मैथ्स पढ़ाने के लिए उसको 62 महीने से इन्होंने तनख्वाह नहीं दी है। ठीक है ठीक है भाई, इनकी खुद की सरकार ने तनख्वाह नहीं दी, कब देंगे तनख्वाह ये भी बता दें। अभी जवाब लेंगे। हमारे साथ आमिर भाई जुड़े हुए मुस्लिम स्कॉलर के रूप में। आमिर भाई, और यहाँ पर सर्वे शुरू हो चुका है जो कि लगातार चर्चा का विषय था, और 15 अक्टूबर तक सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी, 25 अक्टूबर को सौंपी जाएगी। क्या मानते हैं इन सर्वे से, जिस तरह सियासत गर्म हो रही है, और अगर सरकार का जो मंशा है वो बेहतर जा रही है तो समर्थन क्यों नहीं दिया जा रहा? बहुत शुक्रिया गौरव भाई कि आपने इस चर्चा मुझे शामिल किया। देखिए, समर्थन को हमने कभी विरोध भी नहीं किया, विरोध नियत और मंशा को देख करके ही बनता है। बड़ी बात और बड़ा सवाल ये है, जैसा कि अभी हमारे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे कि तमाम स्कूल, उन्होंने एक दो स्कूलों के नाम बताए, अब इसी लखनऊ के अंदर में कम से कम 20 से 25 स्कूल तो मैंने भी देखे हैं, उसके अलावा और छोटे छोटे ज़िलों की तो हालत ही बदतर है कि छतें नहीं हैं, दीवारें नहीं हैं, दरवाजे नहीं हैं, और एक एक स्कूल में 5 से 7-8 टीचर हैं, लाखों रुपये सैलरी जाती है, पढ़ने वाले बच्चे हैं ही नहीं, नदारत हैं। आप जाइए तो सिर्फ टीचर आपस में गपशप करते मिल जाएंगे और बच्चे ही नहीं हैं। तो बड़ा सवाल ये है, मदरसों का इन्हें सर्वे कराना ना कराना वो तो सेकंड बात हो गई, बड़ा सवाल ये है गौरव जी कि मदरसे के नाम पर ये एक कौम को गुमराह कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम इन पर शिकंजा कस रहे हैं इस कौम पे। बात सिर्फ इतनी सी है, देखिए मदरसे के नाम पर अगर जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे बेरोजगार हो गया, तो सबसे बड़े बेरोजगार तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता ही जी दिख रहे हैं, एक बात। दूसरे वो ये कह रहे थे कि 200 की सूची होती है मदरसे में और 1000 की वजीफा लेते हैं, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये वजीफा ये देते हैं अपनी जेब से या सरकार दे रही वजीफा? 200 से और 1000 की सूची वो जब बनाई जाती है जहां पर सरकार इन्वॉल्व होती है या कोई सरकारी एड इन्वॉल्व होती है। तो जो बात बिल्कुल दुरुस्त है, अभी हम ओएससी जी का बयान देख रहे थे, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि जो सरकार जिनको ऐड दे रही है, जिनको सुविधाएं दे रही है, अगर उनकी सर्वे कराए तो बात समझ में आती है, लेकिन जो सरकार जिन मदरसों को कुछ दे ही नहीं रही है उनका सर्वे करा रही है, ये अजी अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की गौरव जी, उत्तराखंड में भी शुरू हुआ है, हम उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से आज तक मैंने अलग ही नहीं माना, हालांकि वो प्रदेश अलग हो चुका है, क्योंकि इनकी नीयत है, कोई गुरेज नहीं, सुन लीजिए, हम चाहते हैं जानकारी देने, लेकिन हम चाहते हैं कि आप टोटल स्कूलों की बात करते हैं, मदरसे का आप एक पर्टिकुलर नाम लेकर के एक कौम को क्यों चला कर दूसरी कौम को खुश फर्जी खुश करना चाह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अच्छा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार की देखा देखी, उत्तराखंड ने भी कल ऐलान किया। अच्छा। आप और आज ही वहां पर एक छत गिर गई शौचालय की, एक बच्चा कक्षा 3 का मर गया और करीब 6-7 बच्चे जख्मी भी हैं। अब आप बताइए, अजीब बात है कि एक तरफ तो आप मदरसे, आमिर भाई ये बताइए, आप बोल रहे हैं एक कौम को खुश करने के दूसरे कौम को परेशान कर रही है, पर जब जब घर की बात आती है, जब आवास की बात आती है, जब राशन की बात आती है, तब फिर एक बार को खुश क्यों नहीं किया जाता? कहाँ किया जा रहा है? तब किसी ने उंगली भी नहीं उठाई है। हाँ। किसी ने कोई शब्द नहीं कहा, किसी ने तर्क वितर्क भी नहीं करा। सरकार राशन देती है, सरकार आवास देती, सरकार इज्जत घर देती है, तब उंगली नहीं उठती है, तब दर्द नहीं होता है। यही तो बड़ा सवाल है कि जब आप जो देना चाहते हैं उसमें तो कुछ करना नहीं चाहते हैं, और जो जिसमें देना नहीं चाहते हैं उसको आप उछाल देते हैं मुद्दे को। अच्छा। तो ये मुद्दे राजनीतिक स्टंट हैं। अच्छा। जो जो चुनाव करीब आएगा। अच्छा। इस तरीके के मुस्लिमों से जुड़े हुए तमाम मुद्दे, विवादित मुद्दे उठाए जाएंगे, इसलिए ताकि वोटों का खूबसूरती से ध्रुवीकरण किया जा सके। और ये तुष्टिकरण की राजनीति देखिए आज की नहीं है, अभी हम भाई तर्क वितर्क हो जाएगा, कहें भाई 9 साल हो गए उत्तर सेंट्रल गवर्नमेंट को बने हुए, 6ठी साल ये बन चल रही है। आप बताइए आपने मुस्लिमों के लिए किस क्षेत्र में काम किया है, आप उसका एक भी बता दीजिए, उसके बाद हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है किसी तरीके से। ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे साथ विकास मिश्रा भाई जुड़े हुए समाज से भी। विकास भाई, समाज बहुत जरूरी है, और समाज के बेहतर के लिए कोई काम होता है तो यहाँ पर पहल होनी चाहिए और समर्थन होना चाहिए। मनसा सरकार की आने वाले समय में, जैसे कि आमिर भाई बोल रहे हैं कि मनसा सरकार की परेशान करने की है, तो फिर अन्य नीतियों पर सरकार परेशान क्यों नहीं करती है? सबको लाभ दिया जाता है, सिर्फ मदरसों के सर्वे पर समय बवाल क्यों हो रहा? जी हाँ गौरव जी, अभी मैं सबको सुन भी रहा था जी। देखिए, जैसा अभी आमिर भाई कह रहे थे जी, या और भी कुछ लोगों के भी हमने बयान सुने जी, तो जो हमारे नेता बैठे हैं जी, जैसे इमरान भाई हैं, सपा के प्रवक्ता हैं और भाजपा के प्रवक्ता हैं जी, किसी भी कार्य को अगर किया जाता है, सरकार कोई अगर नीति लागू करती है जी, तो पहले उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने दें जी, फिर आप उसका अनुमान लगाएं कि वो सही है
या गलत, गलत है, है। सही बात है। सिर्फ ये मान करके कि भाजपा मुस्लिमों के लिए नहीं कर सकती, ये आपका अनुमान लगाना और अनुमान पे अपने स्टेटमेंट दे देना, पूरी जनता सुनती है आपके स्टेटमेंट, आप यूथ आइकॉन भी हैं, तो इस तरीके के स्टेटमेंट देके आप कहीं ना कहीं भड़काने का काम कर रहे हैं साहब, देश हित में नहीं है ये। अगर सरकार कह रही है कि हम मदरसों की जांच इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे सुख सुविधाएं छात्रों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सही व्यवस्था वहां पे है कि नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, अगर आपको जांच में कुछ गलत लगता है कि गलत एंगल से जांच की जा रही है, तब आप कहें, उसका विरोध करें, अच्छा लगता है। दूसरा, अभी आपके प्रवक्ता ने एक चीज और भी बताई कि मुस्लिमों के लिए भाजपा ने कभी कुछ नहीं किया और इस तरीके बात कर रहे थे। मैंने इनकी एक दो डिबेट और भी सुनी है, जब वो कुछ ज्ञान व्यापी और उनपे बात चल रही थी, तो इन्होंने एक डिबेट में ये भी बताना चाहता कि हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं कर रही। तो पहले तो ये अपने को ये तय करें कि सरकार किसके लिए क्या कर रही है। अभी ये इस तरीके से दिखा रहा है कि हिंदुओं के लिए कर रही, मुस्लिम के लिए नहीं कर रही। और उससे पहले कुछ एक डिबेट में मैंने सुना कि हिंदुओं के मंदिर तोड़े, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रही। साहब देखिए, अनुमान पे ना आइए। आप ठीक है, आप अभी बहुत अच्छा कार्य करते हैं अपने क्षेत्र में, मैं मानता हूँ, लेकिन जो सरकार कर रही है उस पर पहले उसके नियत पर तब शक करें जब कुछ आपको गलत लगे। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि जो एक युवा है वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, देश की एक संपत्ति है, क्योंकि देश के विकास में उसी का ही योगदान होगा। ठीक, आगे जाकर के देश का विकास उसके कंधों पे ही होगा। अगर उसको उचित शिक्षा मिलती है जी, तो ये देश हित में होगा साहब। तो ये कार्य अगर जिस तरीके से बताया जा रहा है, अगर वैसा ही सर्वे होता तो उचित है, उसको होने दें और इस तरीके के स्टेटमेंट देने से बचें। और खासकर वो लोग जिन्होंने कहा कि जूतों और चप्पल से स्वागत करना चाहिए, अपने लहजे को सुधारें। आप एक रेपुटेड जगह पे बैठे हुए हैं, आपको लोग सुन रहे हैं, तो उसके थोड़ा अपनी कुर्सी का ध्यान रखें, अपने पद का ध्यान रखें, वैसे ही भाषा का प्रयोग। ठीक है पवन भाई, मूल्यांकन आपसे बेहतर कोई नहीं करेगा, हमेशा मूल्यांकन बेहतर ही रहता है। क्या क्या मूल्यांकन होगा आपका पूरी बात? राजनीतिक दल हैं गौरव जी, प्रवक्ता महोदय लोग हैं जी, ऊंची ऊंची बातें होती हैं, हमारा आपका काम है सुनना, समझना, देखना जी। लेकिन दुर्भाग्य होता है जी, जब हमारे देश की, हमारे राष्ट्र के प्रति जब कुछ योजनाएं शुरू की जाती, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी योजना लेकर आता है, तो बहुत लंबी दूरी की विचार के साथ आता है जी। प्रेजेंट टाइम में जो मदरसों का प्रकरण चल रहा है जी, ये केवल मदरसों का प्रकरण नहीं है, पहले तो ये साफ हो जाना चाहिए। संस्कृत विद्यालय है उनका भी है जी। और मदरसों में अभी नीट के बच्चे लगभग 1200 बच्चे पूरे देश भर में जो मदरसों से आए हैं, ये बहुत बड़ा नाम किया है जी, और नीट पास आउट किए हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा बैक साइड पहुंचिए 10 से 15 साल जी, तो उसी सरकारी मदरसे से कौन निकलता था, हम और आप भली भांति जानते हैं, कहीं मुठभेड़ में मारा जाता था, कहीं कुछ होता था। तो ये जो 10 साल में सरकारी मदरसों में कार्य हुए हैं, सरकारी मदरसों में, ध्यान दीजिएगा, सरकारी मदरसों में जो काम हुए हैं उसका रिजल्ट ये आया है नीट से, बच्चे जो आए हैं। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि जो ये लोग अपने जकात से मदरसे चलाते हैं उसकी जांच नहीं करनी चाहिए। देखिए, राष्ट्र की धरोहर है, वो एक एक कण है, वो हमारे घर में, हम आपके परिवार में, जहां भी चाहते हैं जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं सुधार के लिए। संस्कृत विद्यालय और मदरसे दोनों के प्रकरण आए हैं। अब अगर सरकार चाह रही है कि वहां पे टीटी पास आउट ही अध्यापन कराएं, ध्यान दीजिएगा, सरकारी में तो ठीक हो गया है, इनका सुविधाएं भी दिया है। अब जो इनके जो जकात वाले मदरसे हैं वहां भी ट्रस्ट पे चलता है, एनजीओ पे चलता है, समझिएगा, ये जो सोसाइटी एक्ट होता है उसके ऊपर चलता है और उससे सरकार की सुविधाएं लिया जाती है जी। आप सभी लोग यहाँ पे 4 लोग 5 लोग जो भी हैं, अगर हमारी बातों का विरोध करेंगे आप खुल करें, हम आपको संतुष्ट करेंगे कि कौन सी संस्था ने कब पैसा लिया है। जितने भी सोसाइटीज होते हैं जो अपना निजी मदरसा चलाते हैं, धर्म वाला चलाते हैं, ठीक है, आप चलाए, उनका भी एक मकसद था कि हाँ देश में आगे बच्चे बढ़ें। कोई भी बच्चा होगा, हमारे देश का बच्चा है वो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उनको गलत शिक्षा दी जा रही है और उसको सुधारने के लिए कोई सरकार आई है कि वहां पे जो है टीटी पास आउट हो, आधुनिकीकरण हो, कंप्यूटरीकृत हो, उसकी पूरी जानकारी हो, क्या उनको पढ़ाया जा रहा है, ऐप लॉन्च किया, ई लर्निंग का ऐप लॉन्च करेंगे जिससे वो घर में भी बैठ के पेरेंट्स भी देखेंगे क्या पढ़ाया जा रहा है हमारे बच्चों को, क्या सिखाया जा रहा है। अब उसे जो निजी मदरसे एनजीओ पे चलाते थे उस पे भी माननीय विधायक, माननीय सांसद की निधि से वहां पे ट्रस्ट, उसमें पैसे आते थे, एनजीओ पे पैसे आते, अधिकार होता है सभी एमएलए को, सभी एमपी को, जो हमारी बहुत सारी निधियां होती है उसमें होता है कि आप किसी भी संस्था को पेमेंट कर सकते हैं। तो सरकार का कहीं ना कहीं पैसा तो जा रहा है, इसको भी नोट करना चाहिए। अब अगर कुछ अच्छा हो रहा है,
तो केवल बवाल नहीं, वो तो जो जूता चप्पल की बात है बवाल ही है जी। उसको गौरव जी हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, उनका मकसद केवल क्या है, सिंपल मकसद है कि दंगा फसाद बवाल समझेगा कैसे तोड़फोड़ करे, वो भाजपा वही चाहती है। ये भाजपा के प्रवक्ता महोदय बैठे, इनकी भी दिल इच्छा यही है कि काम तो अच्छा कर रहे हैं, समझिएगा, काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, काम सरकार कर रही है, लेकिन जो भाजपा के नेतागण हैं उनकी भी हिंसा है कि कुछ लोग आ जाएं, दंगा फसाद वाली बात कर जाएं और हम लोग भी उसको हाईलाइट करें, समझिएगा। अब इसमें ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो उनसे हम एक निवेदन करेंगे कि अपने इसको समझें क्या है, अगर आपको गलत लगता है तो आप उसमें दायरे में आइए, ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करिए। अभी एक नोएडा के भी आपने प्रकरण देखा है, जमीनी सरकारी जमीन पे, किसी की जमीन पे वहां पे मदरसा चल रहा था, उस पे भी उस पत्रकार के साथ जो घटना घटित हुई उस पे भी हम खेद जताएंगे। ये सब नहीं होना चाहिए, हमारा देश है, राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद कुछ है, इसको हमको बनाकर चलना चाहिए। और आखिरी में फिर हम कहेंगे कि कोई भी किसी का निजी चीज नहीं है, सोसाइटी एक्ट पे अगर मदरसा चल रहा है तो उनका निजी नहीं है, ठीक है, सरकार की सुविधाओं को उठाना था, उठाना चाहिए जी। ठीक है, ठीक है। नितिन भाई कुछ कह रहे थे आप, नितिन भाई जी बोलिए भाई। पहले तो ये कहना है कि भाई हमारे हुसैन साहब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये इनके ऊपर सत्ता का जो घमंड है वो बहुत चढ़ के बोला, चुपचाप हो गया, आप लगी बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो सही कह रहे हैं, इसलिए डांटने डाल लगे भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल सपा के प्रवक्ता महोदय बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बोले तो यादव जी इनसे करूंगा, यादव जी बात को ये सुन ले और इनकी बारी आए तो ये जवाब दे दे। नहीं नहीं, यादव जी आप ये कह रहे थे जी कि मदरसों से बेरोजगारी बढ़ी है, ठीक है, मैं तो जो सुना है कि मदरसों से मौलाना हजरत मोहानी जैसे लोग निकले थे, मौलाना अब्दुल कलाम जैसे लोग मदरसे से निकले हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग मदरसे से पढ़ करके निकले हैं, मदरसे से आए हैं सर जी अब्दुल कलाम का। इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी संस्था अच्छी बुरी हो सकती है, लेकिन एक तरफ से सबको खराब कह देना भी उचित नहीं है। दूसरा, जांच अलग विषय है, अनियमितता कहीं भी हो जी, उस पर जांच सर्वे में अंतर होता है, जांच सर्वे में अंतर होता है नितिन भाई, जांच नहीं हो रही सर्वे हो रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बात यही आ रहा हूँ कि जांच अनियमितताओं की होनी चाहिए, ये सर्वे किस चीज का हो रहा है, नाम पूछ रहा है, सच पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है। जांच अलग चीज होती है कि एक जांच कमेटी बना दी जाती और ये कहा जाता है कि एक बार सारे जो मदरसे हैं जिनको कहीं से कोई फंडिंग हो रही है, अच्छा, या सरकार की फंडिंग हो, उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है जी। एक चीज सुधार करना अलग ही चीज है, एक व्यवस्था होती सरकार कहती कि सुधार, समाज सुधार हो या किसी व्यवस्था का सुधार हो, किसी कमेटी का सुधार हो, ये एक सतत प्रक्रिया है और ये होनी चाहिए, इस पे कोई बुराई नहीं है, मैं समर्थन करता हूँ सुधार, लेकिन आप सर्वे शब्द जो बार बार आ रहा है, मैं इसी पर सवाल उठा रहा हूँ कि आखिर ये सर्वे किस चीज का हो रहा है। दूसरा, सर्वे के जो बिंदु आए उसमें एक विषय आया, भाई आप लोग तो किसी पे जरिया जी, नितिन भाई सरकार सरकार राशन बांटे तो भी सरकार जो है राशन वगैरह बांट रही है, सरकार आवास दे उसमें भी राजनीति है, आमदनी का जरिया, सरकार कुछ भी व्यवस्था बनाए उसमें भी राजनीति, अब सर्वे हो रहा है उसमें भी राजनीति, अरे किसी पे भी समर्थन कर दीजिए भाई जी। आप पहले जी तो हमारे हेडमास्टर नहीं है कि आप जो बताएंगे हम वो कर देंगे, नहीं हम हेडमास्टर नहीं है, तो आपसे गुजारिश कर रहे भाई, हमारे गुजारिश है आपसे भाई, हेडमास्टर थोड़ी ना हो, नहीं आप अच्छे, आप सवाल पूछोगे हम जवाब देंगे जी, बोलिए, हर पार्टी का आपसे सवाल ही पूछा जा रहा है, एक मिनट महोदय, एक मिनट नितिन जी एक मिनट, आपसे गौरव जी ने सवाल ही पूछा है, आपसे सवाल ही क्या है कि आप लोग एक तो फायदा देख रहे हैं, मेरी बात को समझिएगा, आप इस तरह से हेडमास्टर की बात प्रक्रिया कर रहे हैं, एक चैनल के एंकर से आप, नहीं 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 सुनाई नहीं पड़ रहा, मैं पवन श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ, मैं पवन श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आपने हेडमास्टर की संज्ञा कैसे दी, आपसे सवाल ही कर रहे हैं, आपसे सवाल ही कर रहे हैं, आपकी आदत है, आप समाजवादी पार्टी की, सुनिए पहले सुन लीजिए सर, आप करेक्ट रूट पे जा रहे हैं, आप सवाल किया मैं जवाब दे दूं, यादव जी आपको माफी मांगना चाहिए, सिंपल, आपने कहा भी हेडमास्टर ही होता है, आपने कहा, आपने देखे, आपने पहले तो भाजपा नेता को कहा
वो सभी नेताओं की, आपके अखिलेश यादव की कम घमंडी है सर, आप नहीं जानते हैं जी। आपके उनके अपने खुद से चाचा को सम्मान नहीं दे रहे हैं जी। आप पत्रकार के ऊपर उंगली उठाएंगे? चले ठीक, आप खुद सोचिए, आप हेडमास्टर बना रहे हैं किसी को जी। ये सवाल कर रहे हैं, सुनिए यादव जी सुनिए, ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आप कोई राशन दिया जा रहा है, आवास दिया जा रहा है, उस पर भी आप उंगली उठा रहे और इस पर भी उंगली उठाएंगे आप? ठीक है, आपको दोनों पे उंगली उठाने का आदेश हो गया है, केवल उंगली उठाएंगे, आवाज निकालेंगे? चलिए, आप कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं बताइए। आज आपको धरना प्रदर्शन था प्रदेश में, विधानसभा का धरना प्रदर्शन तो नहीं था, वहाँ पे है ही नहीं, आपको जहाँ जाना चाहिए था इको गार्डन में, वहाँ नहीं गए आप लोग जी, पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक, नितिन भाई जवाब दीजिए, फिर उसका सफर भाई जवाब लेते हैं। मुझे लग रहा है कि पहुंच कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट में आ गए हैं। हम बिल्कुल एक्साइटमेंट में, आप गलत किए हैं सर, आप डिबेट पे एंकर के लिए ऐसा सब इस्तेमाल कर रहे हैं और हंस रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। आप जवाब देने देंगे? चलिए जवाब दीजिए। दौलत जी मुझे क्यों काट दिया आपने? पहले माफी मांगी आप कैसे हेडमास्टर की प्रक्रिया गए आपने? आपने कहा हेडमास्टर है आप हमारे, आपने सवाल किया है, आपने सवाल किया है, ना गलत चीज। आप बोले नितिन भाई, बोले, माफी मांगिए सर जी, बोलना क्या है सर? साथी को चुप करा दो भाई, आपके स्टूडियो में बैठे हैं तो ज्यादा पावर है। नहीं, स्टूडियो सबको पावर है भाई, पावर सबको है। अरे सर क्या हो गया है, आपको क्या हो गया है पहले बताइए सर, यादव जी आपको क्या हो गया है? आप एक प्रवक्ता महोदय हैं, आप ऐसे आप शांत हो तो हम जवाब दें। नहीं जवाब नहीं, माफी दीजिए ना सर, आपको क्षमा मांगने में। अगर आपने, अरे भाई आपके कहने से कोई काम करेंगे क्या? आप हमें डिक्टेट कैसे कर सकते हो? अरे डिक्टेट नहीं कर रहा है भाई, आपको यही कही तो जा रहा था। आप एंकर को एक बात ये बताइए, आप कब से भाषण कर रहे हो, मुझे सिखा रहे हो? अच्छा कब से मुझे बोलने नहीं दे रहे हो आप? एक मिनट, एक मिनट यादव जी, आप कब से प्रवक्ता है? पवन जी आप कब से अगर आज आपने माफी नहीं मांगा एंकर से, तो निश्चित समझिए अभी रात्र में ही आपकी शिकायत अखिलेश यादव से हम करेंगे, ये निश्चित समझिएगा। एक प्रवक्ता होकर के, एक प्रवक्ता होकर के आप ये नहीं जानते हैं कि पत्रकार का सम्मान कैसे होता है, एंकर का सम्मान कैसे होता है, ये तो आपको नहीं समझ आ रहा है। आपके हेडमास्टर है ये, गालियां दे सकते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो फिर सब हो गया। कलाकारों को नहीं, क्या कह रहे हैं, प्यास लग गई जी, या तो आप कहो तो मैं छोड़ दूं डिबेट। नहीं नहीं, बिल्कुल आप क्षमा मांग के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी शिकायत निश्चित किया जाएगा। आप एंकर को ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने सवाल ही कही, हमने आपसे सवाल पूछा था। आप ठीक करिए, पहले मुझे बोलने दीजिए जी। बोलिए 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 बोलिए। मैंने ये कहा है जी कि आप हमसे सवाल करोगे, हम आपको जवाब देंगे। आप मुझे कह रहे हो कि आप किसी मामले में समर्थन कर दीजिए, पहली चीज। समर्थन की बात नहीं कही, राशन में विरोध किया भाई, समर्थन की बात नहीं कही मैंने। ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपसे प्रश्न किया, ये किया था नितिन भाई, आप प्रश्न सुन नहीं पाए। या तो बोलने नहीं दीजिए, आपका बड़ा ईगो क्लैश कर गया हो जी। नहीं, ईगो क्लैश नहीं किया, देखिए आप बात को समझ नहीं पाए। मैंने आपका ईगो क्लैश नहीं, नहीं लेकिन मुझे मेरी बात नहीं कहने दोगे? बोले 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 बोले। अगर आप मुझे बुलाओगे टीवी पे जी, बोलिए, तो मुझे बोलने का मौका जी, बोले 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 तो ठीक है, अदरवाइज मैं क्षमा मांग। नहीं बोलिए बोलिए बोले नितिन भाई, बोलिए बोलिए ठीक है। पवन जी, सबसे ज्यादा आपके साथी को, पवन श्रीवास्तव को काफी बुरा लग गया, मुझे नहीं समझ में आया क्यों बुरा लगा। पहले तो मुझे अपने पक्ष रखने दीजिए ईमानदारी से। आपने मुझसे एक प्रश्न किया कि आप राशन में भी आपको बुरा लग जाता है, ईमानदार होते तो आपकी सत्ता ना जाती। मैंने कब कहा समाजवादी पार्टी राशन व्यवस्था की बांटने में उनको आपत्ति है? अरे भाई, आप जन कल्याण का क्या काम करोगे? हम हर काम में साथ हैं। आपने ये कहा कि आप इस पर समर्थन कर लीजिए, तो मैंने समर्थन नहीं किया, समर्थन नहीं बात नहीं कही मैंने, ये कहा मैंने, आप साथ समझ नहीं पाए नितिन भाई, विरोध करेंगे आप मेरे बात। नहीं, मैंने इस बात का कहा जी, आप मेरी बात नहीं समझ पाए, आप यहाँ नहीं समझ पाए जी। नितिन भाई, आप मेरी बात सुनिए, हमारे आपके बीच बहुत बातें होती हैं। सुनिए नितिन भाई, आप मेरी बात को समझ नहीं पाए, ये समझदारी का अंतर हो सकता है पवन जी का। मेरा सुनिए, पवन जी मुझे डिक्टेट करेंगे हम क्या बोलेंगे? नहीं नहीं सुनिए, कोई डिक्टेट करेगा? सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरा कहना नितिन भाई केवल ये था आपसे, मेरा प्रश्न ये था कि जब राशन योजना लाई जाती है तब भी यानी विपक्ष आरोप लगाता है कि राशन योजना केवल चुनाव के लिए लाई जाती है, आवास योजना लाई जाती है तो ये बताया जाता है कि आवास भी योजना इसी के लिए लाई गई है, इज्जत घर बनाए जाते हैं तब भी विपक्ष आरोप लगाता है। तो मेरा ये कहना था कि अगर सरकार कुछ बेहतर कर रही है तो समर्थन करना चाहिए, केवल आरोप का जोर क्यों होता है, केवल मनसा आरोप क्यों रहती है जी? जी
निश्चित रूप से जहां सरकार अच्छा काम करेगी उसका समर्थन किया जाएगा, लेकिन अगर उसके पीछे मंशा सही नहीं होगी तो विपक्ष इंतजार कर लीजिए भाई, इंतजार कर लीजिए कुछ समय। नहीं ये सही है, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। एक बात है, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, आनिंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अच्छा ठीक है, विपक्ष का काम भी यही होता है कि सरकार अगर कोई गलती कर रही है तो उस पर सुधार की जरूरत होती है, विपक्ष का यही काम होता है। बिल्कुल, तो हम विपक्ष हैं, तो हम अगर कोई योजना आप ला रहे हैं उसमें 100% अच्छा ही नहीं होता है तो निश्चित रूप से उस पर उंगली उठाई जाएगी। ठीक, अब जैसे मैंने प्रश्न किया सर्वे और जांच, जी आपत्ति आ गई कि सर्वे क्या होता है, जांच क्या होती, दोनों विषय। तीसरा मैं बात कर रहा था हुसैन साहब के विषय पर कि ये इन्होंने एक प्रश्न उठाया कि इसमें सर्वे में एक विषय है कि मदरसों की आमदनी का जरिया। ठीक है, निश्चित रूप से जो भी संस्था चलती है उसमें आमदनी, जकात, चंदा, ये सारी चीजें होती है। ठीक, अब इसके बाद में होगा कि उनकी जो आमदनी है, जो जकात देने वाले लोग हैं, चंदा दे, उनकी लिस्ट दीजिए। गौरव जी मैं कुछ कहना चाहूंगा भाई, अभी सुनता हूँ, लेता हूँ। गौरव जी मैं कुछ कहना चाहूंगा, लेता हूँ सवाल भाई, आपके पास लेता हूँ, बोलिए। ये भी आप लोग समझ रहे हैं, तो ऐसे सवालों पर आपत्ति है कि आप क्या, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगा कि पीएम केयर फंड के नाम से एक संस्था बनाई गई जबकि जो प्राइवेट संस्था है। निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री राहत कोष मौजूद तब पीएम केयर फंड बनाने की क्या जरूरत हुई, उसमें जिन लोगों ने पैसा दिया क्या भारतीय जनता पार्टी ये डिक्लेयर करेगी कि ये चंदा किन किन लोगों ने दिया, वो पैसा किस्मत में खर्चा किया गया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये बताया है क्या? तो आपने पूछे, पूछते क्यों नहीं, आप पूछिए भाई, कर देते हैं निधन भाई, आप पूछिए। इसके लिए कल्याण का काम हो रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई मदरसा चला रहा है, तो उस मदरसे में आमदनी का जरिया का सरकार पूछने लगेगी। निधन भाई निश्चित रूप से उसकी निधन भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, जब आपने कहा कि पीएम केयर फंड है वो प्राइवेट संस्था है, तो आप अगर आपको लगता है कि उसका फंड कहाँ उपयोग हुआ है तो इसके लिए आप पूछिए, आप सरकार की तरफ जाइए, उनसे प्रश्न करिए। गौरव जी, गौरव जी आरटीआई के दायरे में नहीं है वो। अच्छा, वो संस्था आरटीआई के दायरे में नहीं, कोई उसका जवाब तो सड़क उत्तर आइए, पूछ लें, आप पत्रकार जी, आप पत्रकार, आप पूछ सकते हैं, शायद आपको कुछ तो सड़क उत्तर आइए भाई, सड़क उत्तर आइए। अखिलेश में इतना दम कहाँ की सड़कों पे उतरे। हेलो भैया, सवार भाई बोल रहा है अखिलेश दम नहीं है, अखिलेश यादव दम नहीं है, सवार भाई बोल रहा है सड़क उत्तर। चाचा में दम था उनको भगा दिया। लीजिए इधर में जवाब दीजिए, अब ये तय करेंगे इनमें दम है जी नहीं भाई, इनमें तो दम था जी, कि भारतीय जनता सपा की सरकार रहते भाजपाइयों ने पुलिस वालों को मारा है, इनमें दम था। ये तलवे चाट रहे हैं वहां बैठ करके, ये दम बताएंगे अखिलेश यादव की जी, मुलायम सिंह ने दम था, कार्यकर्ताओं में गोली चलवाई जी, दम होते तब से बापू की हत्या करी, मुलायम सिंह ने दम था, मानेंगे इस बात को? नेता जी के और ये दम है अखिलेश यादव की, सदन के अंदर जब हुकार लगाते हैं ना तो दूसरे दिन आकर के चाहे उप मुख्यमंत्री हो और चाहे मुख्यमंत्री हो बैलेंस करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव की दम पूछने की हैसियत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की नहीं है, योगी जी पूछे तो जवाब दिया जाएगा। अच्छा योगी जी पूछे, योगी जी डिबेटर डिबेट प्रवक्ता था किसी में थे भाई जी, हमारे डिबेटर प्रवक्ता था किसी में थे भाई, आपकी हैसियत हो हमसे बहस कर लो, अखिलेश यादव पर उंगली उठाना ठीक है, सूरत को ठीक है ठीक है। इमरान भाई कुछ बोलना चाह रहे भाई, इमरान भाई कुछ बोलना चाह रहे, इमरान भाई बात करिए। अरे देखिए गौरव भाई, हमें बुलवा दीजिए भाई, अब दो मिनट ले रहा हूँ, बोलिए इनका जवाब देते हैं हम जी, अभी लेता हूँ। मतलब बहुत परेशान थे का मसला क्या है कि पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ जा रहा है, मैं वही बता रहा था कि भाई पीएम केयर फंड का पैसा आज आप गोवा में देख लीजिए जी, 11 विधायक बेचारे कांग्रेस के पास थे, अब 8 जो है भाजपा में फिर शामिल हो गए, क्यों चले जाते विधायक भाई, क्यों चले जाते हैं तो वो ईडी पैसा नया नया होगा, हमारा एक भी नहीं जाएगा। हाँ, क्यों? हमारे दो विधायक हैं, कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं, कोई खरीद नहीं पाएगा। अच्छा, तो ये पीएम केयर फंड दरअसल विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए संस्था बनाई ही गई ताकि सरकार गिराने के लिए और फिर सरकार की जरूरत होती है, इनके विधायक भी कट्टर है भाई। नहीं नहीं, अभी तो बड़े बड़े दावे इनके विधायकों को लेकर होते हैं। अच्छा, लेकिन अभी कह रहे हैं कि इनके विधायक मुस्कुरा रहे हैं, हमने कहा कट्टर विधायक वो भी नहीं जा रहे हैं, के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पंजाब में भी कोशिश की गई, गोवा में भी कोशिश की गई, दिल्ली में भी कोशिश की गई, ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से फेल रहा। अच्छा, क्योंकि हम लोग बिकने वाले लोग नहीं है, लेकिन ये जो पीएम केयर फंड है ये आरटीआई के दायरे में इसी वजह से नहीं आता है,
तो आप लोग उतर जाइए भाई, हम तो चाहते सड़क उतरे भाई। संजय सिंह हमेशा जो आरोप, हम लोग तो सड़क पर हैं भाई जी, हम तो यहाँ से लेके गुजरात पीएम केयर फंड के लिए भी आ जाइए भाई, हम भी जाएंगे, हम भी कवरेज करेंगे उस चीज को। हम 10 लाख करोड़ के घोटाले के लिए सड़क पर हैं, हम 5 लाख करोड़ के घोटाले के लिए सड़क पर हैं जी। सड़क पर तो हम ही हैं, ये दिल्ली पंजाब से लेके गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक सड़क पर कौन है हमारे अलावा? सपा भी विपक्ष में है भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चलाती, पता चला विधायक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैडम भाई, ये जो असली मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं। सपा भाई बात करिए जी, बोलिए जी। सपा भाई बोलिए बोलिए, जवाब दिए नितिन भाई का जी। पूरा टाइम हो गया, चौवन हो गया। बोलिए सबर भाई। मैं बोलूं गौरव जी? जी बोलो बोलो, समय आपका है, बोलिए जी। आपका समय इसका है। पवन भाई ने जो अभी बताया और जो अभी बात चल रही है जी, कि मदरसे जो निजी अपने पैसे से जो चला, मैं इस देश के उलमाओं से पूछता हूं और यहां बैठे हुए सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि शरीयत है और शरीयत में हर चीज का नियम कानून दिया। मैं इस देश के उलमाओं और मुफ्तियों से और मदरसे के बड़े बड़े दुकानदारों से पूछना चाहता हूँ, शफात जी ये बताइए आपकी शरीयत के तहत बोल रहे हैं जी? शफात जी मैं बोल रहा हूँ, आपकी शरीयत के तहत बोल रहे हैं। अरे पहले तक आपकी शरीयत के तहत बोल रहे हैं, ज़कात, अरे आपकी शरीयत के तहत बोल रहे हैं, अरे आपकी शरीयत के तहत बोल रहे हैं, अरे आप शरीयत है किस बात की है? अरे शरीयत शरीयत को क्यों ला रहे हैं यहाँ? शरीयत छोड़ दिए, आप भाजपा नेताओं को जूता चाटिए, बस ये है आपकी हैसियत। इससे ज्यादा नहीं है, आप शरीयत की बात ना करिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जूतियाँ चाटिए, आप शरीयत पे बात ना करिए। आपके मुंह से शरीयत अच्छी नहीं लगती है, आप शरीयत के शाह से बाकी नहीं है। अभी शरीयत का शीन कैसे लिखा जाता है आप नहीं लिख पाओगे, और शरीयत की बात कर रहे हो बैठ के, शर्म नहीं आती है? भाजपा के नेता को जूता चाटते हो और शरीयत की बात कर रहे हो टीवी बैठ के, तुम्हारी हैसियत बात कर जाएगी तो टीवी पे कहीं बात कर रहे हो? जाके उलमाओं से पूछो कि कहां से लाते हो बंदा, कहां से पैसा लाते हो, कब पूछा जाके बेशरम रहेगी दुनिया भर के, किसी को बोलने नहीं आता और किसी को टांग लगा देते हो। जी बोलिए सवाल बोलिए। मैं बोलूं तो भारतीय जनता पार्टी का हो गया जी, फिर कहा गया शरीयत को क्यों ला रहे हो? सरकार की शरीयत को क्यों ला रहे हो? क्यों ला रहे हो शरीयत को? नागरिक पढ़ाई का वाक्य है, सरकार की जिम्मेदारी है। जानते हो तुम उर्दू पढ़ने के बाद आप आईएएस बनोगे? आप नेताओं को जूतियां चाटो बस, इसके अलावा तुम्हें कोई हैसियत नहीं है जी। अबे जूते तू चाट, सपा बसपा और कांग्रेस के कमीज का दुनिया भर का चाट बोलने नहीं देता है। आजादी के वास्ते मर्यादा बना रहे, मर्यादा बना रहे, अंग्रेजों के जूते चप्पल चाटते थे, मर्यादा बना रहे, मर्यादा बना रहे अमर भाई, अमर भाई अमर भाई मर्यादा बना रहे जी। चलिए ठीक है, मुद्दा यहाँ पर मदरसे वाला है, मुद्दा मदरसे वाला है, उस मुद्दे पर है, मुद्दे पर है। कान खोल के सुन ले, इस देश के मुसलमान, इस देश के मौलाना जी, देश के मौलाना कान खोल के सुन ले। ये मुस्लिम के नाम पे तुम बैठे हो, सामने बैठ के बताओ मत का तुम बात कर रहे हो, बड़े शरीयत बताने वाले जी। अबे ज़कात के माफिया सुधर जाओ, ये भारतीय जनता पार्टी है, सुधर जाओ। जो मुस्लिम के नाम पे बोलना उनके पेट से तुम्हारी हराम का पैसा खा खा के जो पेट निकल आया उसकी चर्बी उतार रहे हो, वरना तुम्हारी हैसियत नहीं दियो। हो गया अभी, हो गया हो गया हो गया हो गया। अबे तेरी हैसियत क्या है, देख लेंगे तेरी हैसियत कितनी है। मर्यादा में रहिए भाई, मर्यादा में रहिए भाई, मर्यादा में रहिए, मर्यादा में, मर्यादा में, मर्यादा में जो पहले बोला उसको बताइए मर्यादा क्या होती है भाई। मर्यादा में अमर भाई आप भी, सवाल भाई आप भी, यहाँ पे दूसरी हैसियत नहीं बतानी, यहाँ मदरसे की, मदरसे पर जी जी। तुम यहाँ डिबेट पे बैठे ज्ञान क्यों जा रहे हो? जाओ मौलवी पर जाओ, मुझे पैसा कहाँ से लाते हो? मदरसे में जाओ, जाओ मौलवी पर जाओ, मुझे मुफ्ती पर जाओ, पहले पैसा पूछो कहाँ से लाते हो? मैं बैठा हूँ सुनने के लिए, किसी बात किसी मदरसे की मुफ्ती को बुलाओ, मौलवी पर जाओ, पूछो जाके पैसा कहाँ से। ठीक है ठीक है, हो गया हो गया, मदर नदवा काली तो कह रहे हो, ठीक है हो गया हो गया हो गया, और मेहमान भी है, और मेहमान भी है, ठीक है बारी बारी लानत तुम्हारे ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया विकास भाई, अपनी बात पूरी करिए, पप्पा भाई को लेते हैं। विकास भाई जल्दी बोलिए जी जी, हो गया हो गया हो गया, तो जैसी सोच के ऊपर लाना, हो गया हो गया, गरीबों का पैसा मदरसे के नाम पर वसूल रहे हो, गरीबों का पैसा मदरसे के नाम पर वसूल रहे हो, ठीक है भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया, मैं तो क्या जवाब दे दो, ये औकात तेरी हैसियत क्या है? चले हो गया, आमिर भाई, आमिर भाई, आमिर भाई, सपाल भाई, हो गया हो गया, चलिए हो गया हो गया। अरे साहब, अबे सवाल, अरे समझ गया, हो गया, अरे आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, हो गया
तेरे जैसे मुसलमानों में लानत हो गया, हो गया, जो ज़कात का पैसा खा रहे हैं मदद करने हो गया, हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया भाई, आमिर भाई, आमिर भाई, सपाद भाई, हो गया, हो गया, दोनों का हो गया भाई, आमिर भाई, हो गया, आमिर भाई, सपाद भाई, हो गया, हो गया, मुद्दा अलग हो गया, या पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, चले, हो गया, हो गया, चले, हो गया, आमिर भाई, आमिर भाई, आमिर भाई, हो गया, हो गया, सवार भाई, हो गया, विकास भाई, अपनी बात पूरी करके पापा भाई, नहीं हो, बिल्कुल नहीं गया जी, सरकार मदरसों में जायज नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मदरसों में जायज नहीं, तुम्हारी ज्यादा है, जकात तुम्हें दे दी जाए, चले, समय हो गया भाई, जकात तुम्हें दे दी जाए, समय पूरा हो गया भाई, हो गया, गरीबों को देने का काम है, अमर भाई, अमर भाई, हो गया, और मेहमानों को भी लेना है भाई, हो गया, जकात दे दी जाए भाई, हो गया, सरकार की बात भी कर रहे हो, हो गया, विकास भाई, ठीक है, हो गया, विकास भाई, तुम्हारे जैसे लोग गरीबों का हक मार रहे हैं, अमर भाई, अमर भाई, अमर भाई, इसीलिए अल्लाह ने मोदी के साथ लोगों की कर्जा को पंजी भेजा है, बोलिए, तुम जैसों के हालिक से चप्पी निकालने के लिए, इसीलिए योगी जी मदरसे की मदरसे के जांच सर्वे करवा रहा है, जो हराम का पैसा खाया तुम्हारी हालत से निकालने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे जी, आम ये सर्वे करा तुम लोगों के हालत से पैसा निकालेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पार्टी से नहीं है, अगर वो कोई प्रश्न बहुत बड़े मुफ्ती बने हुए हो सपर भाई, और दूसरा विकास भाई बोलना है, बोलिए, जो सत्ता पक्ष होता है उसको ज्यादा ही बहुत ज्यादा शांत प्रिय होना चाहिए और शांति से विकास भाई, विकास भाई, आप एक विकास भाई, पवन भाई, आपको नहीं पता कि जकात मदरसे में जायज नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मदरसे में जकात जायज नहीं है, मदरसा गरीबों का हक है, सरकार गरीबों का हक है, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, विकास भाई पूरी बात करिए, ठीक है, समय कम है, अबे मौलानाओं समय ऊपर है, समय ऊपर चला गया, अबे मौलानाओं के तल्ले, सफर भाई समझ गए, अबे समझ गए, मर्यादा में हो गया, आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद, इस तरह आपने देखा कि यहाँ पर चर्चा मदर हो गया मदरसे पर हुई थी, और यहाँ पर मदरसे पर चर्चा के अलग यहाँ पर तमाम तरह की बातें हुई, और बातें यहाँ तक हो गई कि लोग एक दूसरे की हैसियत बताने लगे, मदरसे को कहाँ से चंदा मिलता है, मदरसे को जकात कहाँ से मिलती है, मदरसे पे कहाँ से चीज़ें होती हैं, इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है, पर इसके लिए अब आपस में यहाँ पर कोई आपस में एक दूसरे की हैसियत बताना, आपस में एक दूसरे को अपशब्द कहना, ये डिबेट का हिस्सा नहीं होता है। मेरा मानना हमेशा ये है कि आप सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, पहले शांति सुनिए और फिर सुनने के बाद जवाब दीजिए, क्योंकि डिबेट में बैठना है तो आपको सुनना भी पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्ता पक्ष की हमेशा से ये भूमिका रही है और ये जिम्मेदारी भी है, पर सबसे पहले आपको उनकी बात को सुनना भी है, क्योंकि विपक्ष की बात सुनने बगैर लोकतंत्र की खूबसूरती को पूरा भी नहीं किया जा सकता है। सर्वे हो रहा है, सर्वे के बाद कुछ बिंदु भी और हो सकता है बढ़े या हटाए जाए या कम किए जाए, जैसा कि विकास मिश्रा का भी कहना था कि अभी सर्वे शुरू हुआ है, सर्वे की अभी पर मनसा से अभी क्या मनसा है उस पर प्रश्न उठाना, उस पर आरोप प्रत्यारोप करना, उस पर सियासत करना, ये गलत है। सर्वे शुरुआत हुई है और सर्वे से अगर वास्तव में लोगों को फायदा मिलने जा रहा है तो सभी पार्टियों को समर्थन करना चाहिए, और उल जबुल बयानों से अतिरिक्त किसी की हैसियत नहीं बताने के प्रयास, चाहे जूते चप्पल से स्वागत करने की बात हो, इस तरह के बयानबाजी से हमारे देश की आपसी सौहार्द खत्म होता है, कम होता है, क्योंकि हम गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और हमेशा से ही हमने एक साथ मिलकर विकास की धारा में कदम से कदम मिलाया है। अगर कुछ काम बेहतर हो रहा है तो उस पर सबको एक साथ समर्थन करना चाहिए, और मनसा जो सरकार की होगी वो आने वाले दिन में स्पष्ट हो जाएगी, पर अभी से सियासत इसको लेकर नहीं होनी चाहिए। नमस्कार।